ओम नमः शिवाय। ओम त्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वदनम उर्वारुक्मि बंदनात् मृत्युर् मोक्षी अमामृतात्। शिव जीवन का स्टार्ट, शिव ही जीवन का अंत। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले। तो शिव का महिमा का गुणगान, शिव की भक्ति, सावन का महीना। आशा करता हूँ आप लोग शिव की भक्ति में लीन होंगे, आपने मेरे बताए हुए लास्ट वीक के उपायों को फॉलो किया होगा, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा सभी जातकों के, डिफरेंट राशियों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तुला राशि के बारे में, तुला राशि के स्वामी है शुक्र, शुभ्रदान है हीरा, शुभ दशा है छयमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। सप्ताह भाग्य आपके साथ है, काम का बोझ अधिक रहेगा परंतु कार्य क्षेत्र में लाभ होने से मन प्रसन्नचित रहेगा। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के भी प्रबल आसार हैं। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। करियर के हिसाब से सप्ताह शानदार रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। निजी जीवन, दाम्पत्य व लव लाइफ में जीवन साथी के साथ मधुरता बनेगी। रोमांस का आनंद मिलेगा। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी सदस्य का स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, आपको अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की भी संभावना है। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है, सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। माता का आशीर्वाद लेके जाना, उनको खीर का भोग लगाना फ्राइडे को स्पेसिफिकली, मंडे को, और दही से स्नान करना डेली बेसिस पे, शहद गुड़ सौंफ खांड आदि का दान करना मंदिर में, जीवन साथिनी का सम्मान करना, लाल और काली गाय को पालना या उनकी सेवा करना इस राशि के जातकों के लिए आगे आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। तो जैसा कि मैं हर वीक बताता हूँ कि ये सब उपाय, हो सकता है कि आप सारे उपाय कर पाएँ, हो सकता है कि आप उसमें से कुछ उपाय करें। जीवन के अंदर जब तक जीवन है, सुख और दुख आते रहेंगे। सुख और दुख से आपको भयभीत नहीं होना है। सुख में अपने आप को महान समझना और दुख में अपने आप को सबसे व्याकुलित समझना, दोनों ही स्थितियाँ गंभीर स्थितियाँ हैं, दोनों स्थितियों से आपको बचना है। तो आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा चाहिए कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव मैलेफिक इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट से बचा सकती है। उन पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो कैटलिस्ट हैं, ये वो उपाय हैं जिसमें रुद्राक्ष थेरेपी, जैन थेरेपी, स्टोन थेरेपी, बाकी आपके दान दक्षिणा, लोगों के प्रति आपके अच्छे विचार, ये एक तरीके के कैटलिस्ट हैं जो आपको किसी भी आने वाले डिफ़िकल्ट समय से बचा सकते हैं। डिफ़िकल्ट समय हर किसी इंसान की लाइफ में आएगा, उसको कैसे लेना है, उनके क्या उपाय करने हैं, यही उपाय हैं जो आपके जीवन को तार सकते हैं। तो इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा और शुभकारी रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।